इस स्टोरी का नाम है द हैंड जिसको हेक्टर ह्यूग ने लिखा हुआ है। इस स्टोरी में मिसेस सैंग्रेल होती हैं और उनका बेटा क्लोविस जो कि बहुत बड़े आलीशान घर में रहते होते हैं। तो इनके यहाँ बहुत सारे गेस्ट आते जाते रहते हैं। कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो बहुत दिन तक रुकते हैं तो इन लोग को ये अच्छा नहीं लगता, जिसमें से एक गेस्ट होती है जेन मार्डलर जो इनके यहाँ 5 दिन से ठहरी हुई होती है। और उसी गेस्ट की एक फ्रेंड भी जो म्यूचुअल फ्रेंड होती है इन दोनों के, वो भी आने वाली होती है, जिसका नाम होता है डोरा। तो मिसेस सैंग्रेल कहती हैं कि अगर डोरा आ जाएगी तो ये जेन मार्डलेट और हमारे दिन ख़राब कर देगी और ज़्यादा दिन तक घर पे रुक जाएगी। तो क्लोविस कहते हैं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, इन दोनों में अब फ्रेंडशिप नहीं रही, इन लोगों की फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। तो मिसेस सैंग्रेल पूछते हैं क्यों, तो बोलता है कि इन लोगों के बीच में हैना आ गई है, मुर्गी आ गई है। तो कहती है वो कैसे, कहते हैं कि जो है जेन मार्डलेट ने डोरा के हाथ एक मुर्गी बेची थी और बोल के बेची थी कि बहुत अच्छी ब्रीड की, बहुत अच्छी नस्ल की है। तो डोरा ने उसको ख़रीद लिया और डोरा ने सोचा इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसको जब दूसरी जगह बेचा तो डोरा को पता चलता है कि ये मुर्गी तो ऐसी जो अंडे ही नहीं दे सकती है। तो इस वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हुई और फिर फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है। तो मिसेस सैंग्रिल कहती है तो सारी बात तो ठीक है, लेकिन डोरा तो आएगी आएगी हमारे घर और ये भी ठहरी हुई है, अब पता नहीं कब तक ठहरे, तो इन लोगों को किसी तरह से निकालने का बंदोबस्त करो। तो क्लोविस प्लान बनाता है, क्लोविस जो है प्लान बनाता है कि जो है इसके घर का जो हेड सर्वेंट होता है क्लोविस का बहुत पुराना, तो जो है उसके खिलाफ़ जेन मार्डलेट को भड़का देता है। जेन मार्डलेट से कहता है मैंने देखा है जो हमारा सर्वेंट है तो मैं मारना चाहता है, वो अक्सर जब तुम सो रही होती हो तो तुम्हें मारने की अटैम्प्ट करता है, मैंने उस दिन देखा। तो जेन मार्डलेट कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो, तो मेरा इतना ख्याल रखता है तीनों टाइम, मुझे टाइम से ब्रेकफास्ट देता है जैसे मैं इसी घर की मेम्बर हूँ, मेरी रिस्पेक्ट भी तुम्हारी मॉम की तरह करता है। तो कहता है हाँ सही बात है तुम कह रही हो, लेकिन वो तुमको जो है मारना ही चाहता है। तो कहती क्यों मारना चाहता है, कहती बहुत पहले यहाँ पर एक प्रिंसेस थी तो वो समझता है कि तुम उसी की तरह लगती हो, तुम उसी की भूत में मिलती हो, तो इसीलिए तुमको मारना चाहता है। तो जेन मार्डलेट सुन के परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी कहती है चलो फिर मिसेस सैंग्रिल से बोलते हैं बात। तो कहता है नहीं नहीं ये ऐसी नहीं, ये तो मुझसे भी पहले से इस घर में है, लेकिन मेरी माँ इसे बहुत ज़्यादा मानती है, मेरी माँ का दिल टूट जाएगा अगर तुम इसके बारे में कुछ बोलोगी उनसे। तो मिसेस सैंग्रिल से नहीं बताती हैं फिर जेन मार्डलेट, और जेन मार्डलेट सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या होता है इसी तरह से एक दो ट्रेजिडीज़ हो जाती है जिससे जेन मार्डलेट का शक जो यकीन में बदल जाता है। फिर मेन जो इसका प्लान होता है वो काम कर जाता है क्लोविस का। क्लोविस उस जेन मार्डलेट अपने रेस्ट रूम में रेस्ट कर रही होती, तो क्लोविस उसी टाइम जो है सर्वेंट से कहता है कि तुम जो ये तलवार का जंग साफ़ कर दो और इसे जो है गेस्ट रूम में लगा आओ। तो सर्वेंट जाता है जहाँ पे जेन मार्डलेट होती है, वहाँ पर जाता है, वो तो तलवार लगाने जा रहा होता है, लेकिन जेन मार्डलेट सोचती कि नहीं ये तो मुझे जान से मारने आया है। तो जेन मार्डलेट डर के मारे भागती हैं इधर उधर, और फिर तभी क्लोविस उनके सामने आता और बोलता है इधर आइए, और वहाँ पर बिठालता है, कहता देखा मैं कह रहा था ना आपको मारना चाहता। तब जेन मार्डलेट को यकीन हो जाता है, जेन मार्डलेट अपना सामान वान पैक करती हैं और डोरा को लेटर लिखती है यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर इनका सर्वेंट पागल हो गया, अजीब गरीब हरकतें हो रही हैं इस घर में। तो डोरा भी अपनी ट्रिप कैंसिल कर देती है और जेन मार्डलेट भी खुशी खुशी खुद ही घर से निकल जाती हैं। तो इस तरह से ना इनको भगाना पड़ता है उसको, ना कोई बुराई पड़ती है, और इस तरह से जेन मार्डलेट चली जाती हैं क्लोविस के नॉर्मल दिमाग लगाने से। और ये बात जब क्लोविस मिसेस सैंग्रिल को बताता है, मिसेस सैंग्रिल भी बहुत खुश हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है।